अच्छी थी लगी मूवी सेल्फी, एकदम बहुत बढ़िया मूवी है, बहुत चलेगी और बहुत हिट होने वाली है आगे। क्या कुछ सीखने जैसा? वो फैंस के ऊपर है, वो फैंस की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ फैंस रहते हैं जो उनके मतलब उनका गलत इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ का फेम के लिए, तो वही उस पिक्चर में बताना उन्होंने चाहा है। मतलब अक्षय कुमार ऑल टाइम हिट है और वो उनका कोई तोड़ ही नहीं है, बहुत क्लास क्लास पिक्चर है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और इसमें से बहुत अच्छा मोटिव उन्होंने दिया है पूरे यूथ को। मतलब एक्टर बहुत क्लास है, बहुत क्लास है वो, मैं खिलाड़ी तो अनाड़ी, बहुत बहुत प्यारा लगा मुझे। रिमिक्स है पर बहुत भारी है। उसके बाद 5 में से 5, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस हाँ जी, कोई डिसअपॉइंट एक्चुअली एक्चुअली बताऊँ, रीमेक का बॉलीवुड में ना जब भी रीमेक बनता है ना, मोस्ट ऑफ ये लोग है ना बहुत डाउन कर देते हैं। आप इससे पहले देखें विक्रम वेदा, वो जितनी क्लास थी, इस जब भी कोई रीमेक बनाए तो थोड़ा सा ग्रैंड तो बनाना चाहिए। ये लोग बहुत डिप्रेस बना दिए इन लोगों ने। इवन जो लास्ट में जो मज़ा आया, सोचा था कि इस बार जो दो शोएब खान आएंगे एक साथ, जो वंस अपॉन ए टाइम इन फर्स्ट में और वंस अपॉन ए टाइम इन दोबारा में, दोनों शोएब खान एक साथ आएंगे तो मज़ा कुछ ज़बरदस्त होगा, लेकिन मज़ा आया नहीं। वो 1+1 11 नहीं 2 ही हुए। रिमेक सॉन्ग का जो लास्ट में मजा आया ना, वही एक सॉन्ग है जो कि शायद स्टार्टिंग में आता तो थोड़ा और ज़्यादा बवाल होता, बीच में थोड़े से कॉमिक सीन्स अच्छे हैं। इवन दो इसमें जो एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है उसका रोल बहुत अच्छा है, बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा कॉमिक कैरेक्टर दिया। बाकी बीच बीच में थोड़े से एलिमेंट्स अच्छे हैं फिल्म के, लेकिन वो उतना ज़्यादा गुदगुदाते नहीं जितना होना चाहिए। इवन दो मेरा एक ये फ्रेंड यही लास्ट में बोल गया कि क्यों अक्षय कुमार इस बार फिल्म में ऐसी फ्लॉप देते जा रहे हो, ये सेल्फी का भी लगता है लिस्ट में नंबर वो है। तो हम सब पीछे से जितने भी थे अक्षय कुमार फैंस वो भी हंसने लग गए। इवन तो मतलब इतना डिसअपॉइंटिंग लगा, मज़ा नहीं आया। 1.5 मैं तो अपने हिसाब से रेटिंग दूंगा। एडिटिंग कैची और हो सकती थी थोड़ी सी, लेकिन उतना मज़ा नहीं आया सीरियसली बताऊँ तो। 1.5 एक्चुअली जो फिल्मों का ना सबसे पहला जो रूल होता है वो कोई ज्ञान देने के लिए या कोई मैसेज देने के लिए नहीं होता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्मों का सबसे पहला माध्यम होना चाहिए इंटरटेनमेंट, और ये फुल ऑफ इंटरटेनमेंट है। और इसका जो सबसे अच्छा लगा वो है मुझे म्यूज़िक, और सेकेंड के एक्चुअली अक्षय सर ने जो भी जितनी भी मूवी करते हैं सब में उनका एक पर्टिकुलर एक कैरेक्टर होता है, लेकिन रियल लाइफ में जो वो सुपरस्टार है वही कैरेक्टर उनका इस लाइफ में है, इस सॉरी मूवी में है, एंड ही इज़ रियली सुपरस्टार। जी एक्चुअली इमरान सर तो इतने फाइनेस्ट एक्टर है कि उन्हें जिस भी कैरेक्टर में ढाल दो वो अपना 100% देते, और अक्षय सर और इमरान सर की जो केमिस्ट्री है बहुत अच्छी है। और इस मूवी का जो सबसे अच्छा मुझे लगा वो है म्यूजिक, म्यूजिक बहुत अच्छा है, सॉन्ग बहुत अच्छा है, एडिटिंग और डायरेक्शन, एक्टिंग, कॉन्सेप्ट सब कुछ ओवरऑल बहुत अच्छा है, और सबसे ज़्यादा अच्छा अच्छा लगा मुझे वो सुपरस्टार अक्षय सर एंड सेकंड म्यूजिक 4। सेल्फी माइंड ब्लोइंग, धमाका, एंजॉय किया पूरा, एंटरटेन्ड हुआ मैं, बहुत बढ़िया लगा। इनफैक्ट मैं तो बोलूँ ना, लास्ट ईयर तो उनका थोड़ा बुरा हाल गया था 4-4 मूवी निकाल के, बट ये साल की शुरुआत उन्होंने एक अच्छी ऐसी मूवी से दिया सेल्फी, जो पब्लिक एंजॉय भी करेगी और एंटरटेन भी होगी। इमरान अश्मीर तो क्या बोलूँ, मतलब वो तो है, स्मार्ट दिखते हैं। इनफैक्ट सेल्फी में उन्होंने ऐसा किरदार निभाया मैं यकीन नहीं कर पाया, बट उन्होंने दिल छू लिया मेरा एक्टिंग से। क्लाइमैक्स बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट मैं बोलूँ ना, एक बात बोलना चाहूँगा, जो लोग ने साउथ में अगर ये मूवी नहीं देखा रहेगा, हालांकि हिंदी डब में तो आई नहीं है, बट मलयालम लैंग्वेज में और मलयालम बेस्ड मूवी है ये, कॉपी है उसका ऑलमोस्ट, बट अगर आपने मलयालम मूवी नहीं देखा ना, आपको ये मूवी टोटली पसंद आएगा और एक बार नहीं बार बार देखने का मन करेगा। मूवी का डायरेक्शन मेरे को बहुत बढ़िया लगा। इनफैक्ट देखा जाएगा ना, एमपी और मुंबई में ज़्यादा करके शूट हुए, एमपी में ज़्यादा शूट हुए, बट जितने भी शूट्स लिए ना बहुत बढ़िया शूट लिया और बहुत खतरनाक, और हर एक सीन, गाना, कुछ भी हो मेरे को बहुत पसंद है। स्पेशली उसमें कैरेक्टर है जो मैं रिवील नहीं करना है क्योंकि बहुत कॉमेडी एक्टिंग किया उसने, उस पर मेरे को बहुत हंसी आई। थैंक यू। सेल्फी पहली बात तो बोलेगा, साल की शुरुआत जब 2022 में अक्षय कुमार ने बच्चन पांडे से की थी, तो वो साल मतलब उनका मतलब फ्लॉप चल रहा था बहुत, मतलब बच्चन पांडे भी रिमेक थी पर वो भी नहीं चल पाई, पर ये साल 2023 में सेल्फी लेके आए। और मैं बोलूँ, मैंने लास्ट से जब बच्चन पांडे देखा था इसी टाइम पे, फर्स्ट डे रिमेक बनी थी,
मेरे को इतना मजा नहीं आया था, पर सेल्फी देख के मैं एकदम हंस हंस के बाहर आया। फुल कॉमेडी एंटरटेनमेंट फिल्म है, वन वन ऑल कॉमेडी एंटरटेनमेंट फिल्म। एडिटिंग वाइज भी बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा नहीं कि अक्षय कुमार ने बोला रहेगा कि यार फटाफट शूटिंग मतलब शूटिंग खत्म करके फटाफट एडिटिंग करके रिलीज करो, ऐसा नहीं। प्रॉपर दो घंटे सवा घंटे के ऊपर कुछ मूवी है, और जो हमेशा अक्षय कुमार रीमेक बनाते हैं जैसे कठपुतली हो गया या फिर बच्चन बन रहे, कठपुतली का आप देख लो कि क्लाइमेक्स सीन कितना फटाफट शूट कर दिया था, तो इतना मज़ा नहीं आता देखने को। बट यहाँ पे प्रॉपर जो ओरिजिनल का जो क्लाइमेक्स था ना, वैसे लोग ने बनाया और एकदम टाइम लेके बनाया, ऐसा घाई नहीं था। स्क्रीन प्ले भी एकदम आराम से, ऐसा नहीं कि बहुत स्लो चल रहा है फास्ट चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है। पब्लिक को मज़ा भी आ रही है, हंस रही भी है। मैं देख रहा हूँ कि जब तक वो अभिमन्यु सिंह जितना आ रहे और कॉमेडी कर रहे, वो तो भाई हमेशा नेगेटिव रोल, सूर्यवंशी में भी नेगेटिव कर चुके और अपना इसमें भी निकम्मा भी नेगेटिव है, पर उन्होंने आप पिक्चर में प्रूफ किया कि भाई मैं कॉमेडी भी कर सकता, मेरे को कॉमेडी में लो, जब जब स्क्रीन पे आ रहा है क्या हंसा रहा है बंदे को। इमरान हाशमी इमरान हाशमी की एक्टिंग कैसी लगी? इमरान हाशमी तो भाई क्या बोले, गॉड ऑफ एक्टिंग बोलते उसको, उनके गॉड ऑफ सॉन्ग और गॉड ऑफ एक्टिंग में इमरान हाशमी आते हैं, तो वो भाई अलग छा गए। लुक तो उनका अपना अर्जर पिक्चर का ही है, पर दोनों का जो टकराड़ है वो देखने बहुत मजा आ रहा है कि यार बता दे कि ड्राइविंग लाइसेंस कितना इंपॉर्टेंट है, कि कितना भी बड़ा आदमी रहने दो पर ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, चाहे बिना लाइसेंस गाड़ी नहीं चला सकते, तो वो पूरा बताया। और जैसा टकराड़ है वो बताया, और दूसरा नुसरत भरीचा, इसके अंदर दूसरा भरीचा का रोल डायना पेंडेसी ज्यादा है, वो इमरान हाशमी वाइब बताए, पर जब जब वो अक्षय कुमार को देखते ऐसे लग रहा है कि वो गुस्से से देख रहे कि तुमने राम सेतु फ्लॉप क्यों दिया, ऐसा ऐसा सीन था, वाला ऐसा जोक सा पार्ट बोल रहा हूँ। बट फिर भी इमरान हाशमी साहब भी जम गई हो एकदम, और नुसरत का भी एक्टिंग बहुत अच्छा है इसके अंदर, कॉमेडी भी की है उसने भी, और खास में एक बंदे को सबसे ज़्यादा क्रेडिट दूंगा वो है अभिमन्यु सिंह। पाँच में से पाँच बनता है, क्योंकि यार मैं बोलता हूँ पब्लिक को बोलूँगा यार पाँच में पाँच तो दे रहा हूँ, पब्लिक को बोला मिस मत करो, आप बोलोगे ऐसा फैमिली एंटरटेनमेंट है, आप हंस हंस के बाहर पक्का होगे, देखना लिख मार के बाद आपका पेट पकड़ के आप हंस होगे जब अभिमन्यु सिंह स्क्रीन पर आते रहेंगे बार बार, ऐसा बोलूँगा। बहुत अक्षय कुमार एक्टिंग, दैट्स अक्षय कुमार की प्रॉपर अक्षय कुमार मूवी, दिस इज अक्षय कुमार, एग्जैक्टली प्रॉपर अक्षय कुमार फिल्म है, और मैं तो अक्षय कुमार की वैसे ही फैन हूँ, और ये फिल्म देख के और फैन हूँ। इमरान हाशमी एज अ फादर किस तरह का खेलना है? इमरान हाशमी इज ऑल्सो गुड, वो तो मतलब उन्होंने बहुत प्यारा कैरेक्टर किया है, बट अक्षय कुमार के फैन और दैट्स और नुसरत का किरदार कैसा लगा? इट्स गुड। डायरेक्शन इज गुड, जो उन्होंने दिखाना चाह रहे थे एक फैन और एक स्टार की केमिस्ट्री उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाई है। सबसे बेस्ट हाफ कौन सा था, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ? एक्चुअली दोनों ही बेस्ट थे। क्लाइमेक्स कैसा था मूवी? क्लाइमेक्स बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। कोई ऐसी बात जो काफी अच्छी लगी आपको, सीखने जैसी हो, अगर सीख के कुछ आप गए हो? यस, अक्षय कुमार का जो नेचर दिखाया है, हम्बल नेचर, और उनका मतलब एज एन एक्टर जो उनका बिहेवियर उसमें बताने की कोशिश की, वो बहुत प्यारा दिखाया है। 5 out of 5। थैंक यू। फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मूवी है। सीखने की लाइक बात ये है ना, देखो हर फिल्म कुछ ना कुछ सिखाती है, चाहे वो कैसी बनी, तो ये मूवी वो है कि ना लाइक अक्षय कुमार सर की जो एक एक्टर ने अपनी जर्नी बताई है, अक्षय सर, मैं नहीं बोलूँगा कि अक्षय सर की पूरी जर्नी है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा बहुत लिया है सीन में, बाकी आपको पता चलेगा कि ना रियल में फिल्मों में क्या होता है, लाइक क्या जो आप मूवी देखते हो उसकी बैक स्टेज में क्या होता है, बैक शूटिंग कैसे होती है, तो ये रियलिटी है। तो पब्लिक सोचती है कि मूवी बन गई, मूवी नहीं देखते, नहीं उनको बॉयकॉट करते हैं, एक फिल्म के पीछे बहुत मेहनत लगती है, बहुत लोग काम करते हैं, 500 लोगों का पेट भरता है, तो ये नहीं है कि आप हाँ सबकी पसंद होती है मत देखो, लेकिन एटलीस्ट इतना देखो कि ना जो प्रोड्यूसर जो भी उनका खर्चा निकल जाए, लाइक अगर 50 करोड़ 60 करोड़ का निकले, मूवी ऐसी नहीं है, कभी भी एक फिल्म के पीछे बहुत लोग होते हैं और बहुत लोगों की मेहनत, ये नहीं होता कि वो कुछ भी बना देंगे, ऐसा कभी नहीं होता, कुछ भी बना देते हैं, कुछ एड्स आप देख सकते हैं कि वो कुछ भी बना देते हैं, वो नहीं बोल रहा मैं, लेकिन एक फिल्म के पीछे बहुत लोग बैठते हैं, बहुत काम करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि है ना मूवी कुछ भी बन सकती है, तो आपका पैसा कभी वेस्ट नहीं होगा, फिल्म देखेंगे आपका पैसा कभी वेस्ट नहीं होगा। मैं खिलाड़ी तू अनारी, या सो मैं सच बोलूँगा कि है ना इमरान सर ने बहुत अच्छा काम किया, अक्षय कुमार सब वही देखने की चाह रही, लेकिन हाँ लोगों को ये देखने में मज़ा आएगा कि कैसे रियलिटी में अक्षय कुमार से एज एन एक्टर स्टार कैसे रहते हैं, वो मज़ा आएगा, और इमरान सर ने बहुत अच्छा किया, और रीमेक का आप कह रहे हैं, मैं नाचा हूँ उससे, मैं नाचा हूँ हॉल में नाचा हूँ, लेकिन बुरी बात ये थी कि पब्लिक नहीं थी, और कुछ लोग फालतू के कमेंट्स कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों का काम होता है, उन लोगों का ऐसे फालतू का माहौल बनाने का काम होता है कि मूवी को फ्लॉप करते हैं,
लेकिन मूवी अच्छी थी। अब लोग मूवी देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ बी सीरीज बहुत अच्छी मूवी है, बस मैं चाहता हूँ कि मूवी कम से कम 200-300 करोड़ का मैं फाइव में से 4 स्टार दूंगा। देखो सर हर चीज़ में थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ होता है, तो वो नहीं कोई पूरा परफेक्ट नहीं होता, तो देखिए मूवी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Thank you.
Thank you.